अस्सलाम वालेकुम, मुरैना किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पनीर। ये पिसी हुई मिर्ची है, धनिया है, खसखस है, जीरा है, गरम मसाला है, साबुत, ये दही है, कम से कम 150 ग्राम दही लिया है हमने। ये दो प्याज ले लिए हैं, तेज़पात के पत्ते ले लिया है, 3 हरी मिर्ची ले ली है जो हमने काट कर रख ली है। ये 200 ग्राम पनीर ले लिया है हमने। एक किलो चिकन है, इसको धोकर रख दिया अच्छी तरह से। सबसे पहले लेंगे ऑयल, इसमें डाल दिया हमने गरम मसाला, क्योंकि हमारा ऑयल गरम हो चुका था अच्छी तरह से। ये डाल दिया साबुत गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते, खसखस डाल दी इसमें हमने, इसको थोड़ा सेक लेंगे। और है ना, इसमें डाल दी हरी मिर्ची और प्याज कटी हुई। ये लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना लिया, इसमें हमने नमक भी डाल दिया था स्वाद अनुसार। अब इसको थोड़ा सेक लेंगे। बस इतना ही हमें सेकना है, ज़्यादा लाल नहीं करना इसको। इसमें चिकन डाल दिया हमने। इसको चला लेंगे। थोड़ा चिकन का कच्चापन भी निकल जाएगा इससे। इसमें हमने डाल दी 1 चम्मच घी देसी चिकन के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उनको शेयर करना। ये डाल दिए पिसा हुआ धनिया मिर्ची, इसमें 2 चम्मच तो हमने पीसी मिर्ची ली थी, 2-3 चम्मच हमने लिया था पिसा हुआ धनिया। इसको थोड़ा अच्छी तरह से चला लेंगे हम। इस तरह आप बना के देखना, चिकन पनीर बहुत अच्छा बनता है। अब इसे हम दही ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। अब इसकी अच्छी तरह थोड़ा चला लेंगे इसको भी। अभी अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे, इसी में नमक ऐड है। अब इसको फिर से चला देंगे, क्योंकि सबका ना कच्चापन निकल जाएगा। अब इसे प्लेट ढक देंगे, 10-15-20 मिनट बाद। ये देखिए, फिर पनीर काट दिया इसको। इस तवे पर हमने तेल डाल दिया है, क्योंकि हम पनीर तवे पे सेकेंगे, क्योंकि तवे पे सेकने से इसका स्वाद डबल हो जाता है पनीर का। ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें पनीर डल गया है। पनीर को सेक के इसलिए डालना है, इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और पनीर भी स्वाद वाला हो जाएगा। देखिए कितने अच्छा ब्राउन ब्राउन होने लगा, दिखने लगा।
अब इसको निकाल लेंगे पनीर को। पनीर सिक चुका है क्योंकि हमें ज़्यादा लाल ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही रहना है। ये देखिए अब हमारा चिकन कितनी अच्छी तरह से हो गया और कलर कितना अच्छा दे रहा है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये चिकन भुन चुका है। इसमें पानी ऐड कर दिया हमने क्योंकि हम थोड़ा हल्का सरसरापन पे खाते हैं, थोड़ा सुरु वाला थोड़ा सा और कर देंगे क्योंकि ये ना इसका पान खादक आ जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगा ना इसका पानी। अब इसमें पनीर डाल देंगे जो हमने सेक के रखे थे। अब इसके अंदर अच्छी तरह से उबाली आने लगी है, देखिए आप। अब गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए प्लेट रख देंगे इस पर 15-20 मिनट के लिए। अब देखिए 15-20 मिनट हो गए इसको, अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारा चिकन हो चुका है तैयार। ये देखिए कितने अच्छा चिकन बना है। अब प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, मुरैना की किचन चैनल को।